दोस्तों, आप जब भी किसी से इंश्योरेंस के बारे में बात करते होंगे तो आपको एक ऑब्जेक्शन तो ज़्यादातर मिलता ही होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे लूं। तो दोस्तों, यदि यही ऑब्जेक्शन आपको भी मिलता हो और कई बार मिला हो तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको इस ऑब्जेक्शन का जवाब किस तरह से देना है। तो दोस्तों, मैं आपको इस ऑब्जेक्शन का जवाब बताऊं, इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई व्यक्ति आपको ये ऑब्जेक्शन देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे लूँ, तो हमें जो जवाब देना है वो हमें इस तरह से देना है कि भैया, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं मानता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि आपके पास पैसों की समस्या है, आपके पास पैसे नहीं है, ताकि इस समस्या को हम जड़ से खत्म कर सकें। क्योंकि भैया, आप ही दो पल के लिए सोच के देखो, यदि आज आप स्वस्थ हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो आपके पास पैसों की समस्या है, लेकिन भैया, आज से कुछ सालों बाद जब आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी शादी के लिए आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि आपके पास उस समय पैसा नहीं होगा तो आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? भैया, आज तो चलो आप जैसे तैसे कर लोगे, गुजारा हो जाएगा आपका, आप किसी ना किसी तरह मैनेज कर लोगे, लेकिन भैया, आप बच्चे के एजुकेशन के समय ये नहीं बोल पाओगे कि बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो एक काम कर, ये फील्ड छोड़ दे, मैं तुझे डॉक्टर, सीए, इंजीनियर या वो जो भी बनना चाहता होगा उस समय, मैं तुझे नहीं बना पाऊंगा। आप ऐसा नहीं कह पाएंगे, और ना ही उसकी शादी के समय आप ये कह पाएंगे कि बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम कर, तू शादी मत कर, या मैं तेरी शादी में इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, चल तू एक छोटी शादी कर ले, मंदिर में ही चल के शादी कर ले। तो भैया, ना तो आप ऐसा कह सकते हैं और ना ही कोई माँ बाप अपने बच्चों से कभी ऐसा कहते हैं। आप किसी न किसी तरह पैसे मैनेज करोगे, आप बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे कहीं ना कहीं से लाएंगे, यदि आपके पास नहीं होगा तो आप लोन लेंगे, कर्जा लेंगे, या हो सकता है आप अपने जमीन भी बेच दें, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना और उनकी शादी करना यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है और इसे हमें निभाना ही पड़ता है। तो भैया, हो सकता है कि आप अपने बच्चे के एजुकेशन के समय लोन लेकर के उसे पढ़ाएं, उसे डॉक्टर, सीए, इंजीनियर बनाएं, हो सकता है आपको उस समय आसानी से लोन मिल भी जाए। इसी तरह से हो सकता है कि बच्चे की शादी के लिए भी आपको पैसों की आवश्यकता पड़े, लेकिन यदि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर वापस से आप लोन लोगे और उसकी शादी करोगे, और देखा जाए तो इस तरह जो आपका आगे का जीवन निकलेगा वो लोन की किस्त भरने में ही निकल जाएगा। और देखा जाए, यदि आप अपने बच्चों की शादी के लिए या उनके एजुकेशन के लिए जो लोन लेंगे, यदि आप 50 लाख रुपए का भी लोन लेते हैं, तो देखा जाए तो आपको उसके लिए जो पेमेंट जमा करना होगा, पूरे ब्याज समेत आपको जो बैंक को पैसा देना होगा, वो लगभग आपको 1 करोड़ के लगभग जमा करना होगा। तो आप ही सोचो भैया, जब आपको पता है कि उस समय आपको ये 50 लाख रुपए लगने ही वाले हैं, तो क्यों ना उसका इंतजाम आज से ही किया जाए। आप 50 लाख की जगह 1 करोड़ उस समय जमा करोगे, इससे अच्छा तो ये है कि आज आप इस 50 लाख के लिए छोटी सी बचत स्टार्ट कर दो, जिससे भविष्य में जब आपको ये पैसों की आवश्यकता होगी तो आपको ये पैसा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और भैया, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए 50 लाख रुपये जो भविष्य में लगने वाले हैं, उसके लिए यदि आप आज से ही बचत करते हैं तो आप टुकड़ों टुकड़ों में बहुत अच्छा एक अमाउंट बचा सकते हैं। और देखा जाए तो उस 50 लाख रुपये के आगे यदि आप बचत करते हैं, आज से ही बचत करते हैं, तो लगभग 25 लाख रुपए ही आपका जमा होगा, और भविष्य में जब आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए व उनकी शादी के लिए पैसा लगेगा तो 50 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है भैया, यदि आप आज से बचाते हो, टुकड़ों में पैसा बचाते हो, तो सिर्फ 25 लाख ही बचाना है और आपको उस वक्त मिल कितना जाएगा, 50 लाख। लेकिन यदि आप बचत नहीं करते हैं और उस समय यदि आप लोन लेते हैं, तो आपको उस 50 लाख रुपए के आगे 1 करोड़ रुपए के लगभग जमा करना होगा ब्याज समेत। तो भैया, इसका निर्णय आपको लेना है कि आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए व उनकी शादी के लिए आज से बचत स्टार्ट करके 50 लाख के आगे 25 लाख रुपए बचाना चाहेंगे, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में, या उस समय आप लोन लेकर के उनकी शादी करना चाहेंगे, उन्हें पढ़ाना चाहेंगे, और उसका लोन का जो अमाउंट है 50 लाख रुपए, उसकी जगह आप ब्याज समेत 1 करोड़ रुपए भरना पसंद करेंगे, तो इसका निर्णय आपको ही लेना है।
चलो भैया हम ये भी मान लेते हैं कि आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए व उनकी शादी के लिए किसी न किसी तरह इंतजाम कर लेंगे, आप लोन ले लेंगे या किसी से उधार ले लेंगे और आप ब्याज समेत उसे पैसा भर देंगे। लेकिन भैया दो पल के लिए आप ये भी सोच के देखो कि आपकी 60 साल की उम्र के बाद यानी आपके रिटायर हो जाने के बाद आपके बुढ़ापे में आपकी जो इनकम है वो पूरी तरह बंद हो जाएगी और उस समय तो आपको कोई लोन भी नहीं दे पाएगा। और देखा जाए तो यदि आपका जो भी आज का खर्चा है 10,000, 15,000, 20,000 रुपये ये खर्चा तो आपका बना ही रहेगा, जो भी आपके शौक मौज के खर्चे हैं, जो भी खाने पीने के खर्चे हैं, ये खर्चे तो आपके रहेंगे रहेंगे। यानी देखा जाए आपकी इनकम बंद हो जाएगी लेकिन आपके खर्चे कभी बंद नहीं होते हैं। और उस समय तो हो सकता है आपके मेडिकल के खर्चे भी बढ़ चुके होंगे, तो इस तरह देखा जाए तो आपको खर्चे काफ़ी ज़्यादा लगेंगे और आपकी जो इनकम होगी वो पूरी तरह बंद हो चुकी होगी। तो आप ही बताओ भैया, यदि उस समय आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कैसे मैनेज करोगे? और उस समय तो आप मैनेज कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई बैंक किसी भी बूढ़े व्यक्ति को लोन नहीं देगी कि आप रिटायर हो चुके हैं, ये लीजिए 50 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, आप अपने रिटायरमेंट लाइफ एक शानदार तरीके से जिए। ऐसा नहीं होता भैया, ना ही कोई लोन बैंक देगी और ना ही हम कहीं से पैसा ला सकते हैं, अरेंज कर पाएंगे। तो इसका मतलब आपको आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए व उनकी शादी के लिए बचत तो करना ही चाहिए। और यदि आप इनके लिए बचत ना भी करना चाहें, आपको लगता है आप किसी न किसी तरह मैनेज कर लोगे, तो कम से कम आपके रिटायरमेंट के लिए आप अपना पैसा बचाइए। और भैया मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपके रहते हुए यदि आपके परिवार में पैसों की इतनी समस्या, आपके पास पैसे नहीं है, तो भगवान ना करे लेकिन यदि कल आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपकी फैमिली को पैसा कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आज आपके पास पैसा नहीं है तो आपके नहीं रहने में तो पैसा ये बिल्कुल भी आना आपकी फैमिली में बंद हो जाएगा। तो उस समय आपका जो परिवार है वो किस तरह से अपने घर के खर्चों को मैनेज करेगा, कभी सोचा है आपने? भैया आपके घर के जो भी खर्च होंगे, खाने पीने के खर्च होंगे या जो भी बच्चों की स्कूल की फीस होगी, मेडिकल के खर्चे होंगे, ये सभी खर्चे आपकी फैमिली किस तरह से मैनेज करेगी? आपके बूढ़े माँ बाप, आपके छोटे बच्चे, आपकी वाइफ, ये सारे खर्चे किस तरह से मैनेज करेगी, कभी सोचा है आपने? तो भैया यदि देखा जाए तो भविष्य के जितने भी ओकेशन है या जितनी भी समस्याएं हैं इनके निपटान के लिए, इनके समाधान के लिए आपको पैसा बचाना ही पड़ेगा। और ये बचत आपको आज से ही करना चाहिए ताकि भैया भविष्य में कभी भी आपको व आपकी फैमिली को ये ना कहना पड़े कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो बताइए भैया ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप लेने वाले हैं इसमें जो आप पेमेंट करेंगे वो आप चेक से करेंगे या कैश में देंगे, बताइए भैया। तो दोस्तों इस तरह से आप इस ऑब्जेक्शन का जवाब दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।